आगे बढ़ेंगे। नोएडा किसान आज दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली के सभी बॉर्डर और किसान चौक समेत अन्य जगह पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता कर दी गई है। पुलिस इन रास्तों से आने जाने वाली हर एक गाड़ी की चेक करने के बाद ही आगे जाने दे रही है। चेकिंग की वजह से यातायात काफी धीमी गति से चल रहा है। नेशनल हाईवे 9 पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसकी वजह से गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस के उच्च अधिकारी और कर्मचारी आज मोर्चा संभाले हुए हैं। किसानों के विरोध मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है, जिसे देखते हुए बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स भी मौके पर मौजूद है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले कई वाहन जो हैं जाम में फंस गए हैं, और इसी तरह से दिल्ली से नोएडा जाने वाले रूट पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए निजुम से मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी लाइव जुड़ रहे हैं। नागेंद्र, जिस तरीके से चप्पे चप्पे पर हालांकि जो जाम की स्थितियां दिखाई पड़ रही है, किसान आंदोलन, ये बड़ी वजह क्या कुछ इसको जानकारी लेकर मिल रही है, संबंधित खबर को लेकर? बिल्कुल लता, देखिए सुबह से ही आज सड़कों पर जाम है। खासतौर से जो सड़कें नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है, और इसके लिए सुबह से ही पुलिस और सुरक्षा बल जुटा हुआ था, और पहले से ही पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो लोग इस रूट से रोज आते जाते हैं, खासतौर से नोएडा ग्रेटर नोएडा जो हाईवे है उससे जो लोग जाते हैं, वो जो सब्स्टिट्यूट रोड है उनका प्रयोग करें। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई है, उसके बाद भी पुलिस ने कहा है कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे है उसको छोड़कर बाकी के जो वैकल्पिक रास्ते हैं शहर के अंदर से, वहां से स्कूल बस जाए। आप देखिए कि सुबह से ही सड़कों पर जाम की स्थिति है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर डटा हुआ है। हालांकि आज संसद घेराव होना था, जो घोषणा किसानों की तरफ से की गई थी, लेकिन उनको पहले ही नोएडा में ही रोक लिया गया है। जो दलित प्रेरणा स्थल है वहीं पर किसानों को रोक लिया गया, और बड़ी तादाद में किसान वहां पर मौजूद हैं। किसान दिल्ली ना पहुंच पाए उसके लिए नोएडा के जो भी बॉर्डर है सबको दिल्ली पुलिस की तरफ से, नोएडा पुलिस की तरफ से सील कर दिया गया था, और जो गाड़ियां थी उनमें बकायदा लोग कौन जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, उसको पूछने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से किसान दिल्ली नहीं पहुंच पाए, और उन्होंने वहीं महामाया फ्लाईओवर के पास ही जमावड़ा अपना लगा दिया है, और वहीं से वो मांग कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं, चाहे 10% जो भू आवंटन किया जाता है मुआवजे के बाद वो दी जाए, और उसमें 5% जो है कमर्शियल के लिए छोड़ा जाए, साथ ही साथ आबादी को लेकर जो भी मामले चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो ये सभी मांगे हैं जिनको लेकर किसान लगातार एक लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। बिल्कुल, ऐसे में नागेंद्र, जिस तरीके से अब चुनावी समय चल रहा है और एक बार फिर से किसान जो है वो सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, लगता है हालांकि आज तो जो है जो ऐलान किया था दिल्ली कूच का वो कामयाब नहीं हो पाया, बॉर्डरों पर ही उन्हें रोक दिया गया, लेकिन क्या अब लग रहा है कि एक बार फिर से जो है बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, दबाव डालने की सरकार पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि चुनावी ये समय है? बिल्कुल, देखिए चुनावी मौका है और इस मौके को हर कोई भुनाना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो, तो इससे देश का अन्नदाता भी अछूता नहीं है। उसको भी लगता है कि यही सही वक्त है जब सरकार उनकी बातों को सुन सकती है, क्योंकि आप देखिए जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उस पर पिछले 6 महीने से किसान बैठे हुए हैं धरने पर, कई बार जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है, समझौते हुए हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। उसी को लेकर अब किसान जो है वो अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, और ये सही वक्त है, इसी वक्त सरकार भी उनकी बातें सुनेगी। भले ही वो आज दिल्ली नहीं पहुंच पाए, संसद घेराव नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी मैसेज है वो सरकार तक जरूर पहुंची है, चाहे
जो आंदोलन है वो अभी नोएडा के अंदर ही चल रहा है, चाहे उनको नोएडा तक ही रोक दिया गया है। बिल्कुल, लगातार जो किसान है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जो है लंबा जाम देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 17 फरवरी को होगी। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की बड़ी जानकारी, बैठक को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे भारत मंडपम में ये बैठक होगी। तो बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 17 फरवरी को बीजेपी की खास बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सुबह 10 बजे भारत मंडपम में ये जो है बैठक की जाएगी और आगामी रणनीति तैयार की जाएगी कि आप किस तरीके से आगे जो है बीजेपी अपनी रणनीति को तैयार करे, इम्प्लीमेंट करे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बताएं, लोकसभा चुनाव सर पर, और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का जो है अब सिलसिला शुरू होने वाला है, जिसको लेकर 17 फरवरी को बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें करीब सुबह 10 बजे ये बैठक शुरू होगी। पीएम नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे और आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीतियां तैयार की जाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह 10 बजे बैठक का समय तय किया गया है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है, कौन कौन से मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाए और किस तरीके से आगामी जो है रणनीति को रूप रंग दिया जाए, इसको लेकर जो है खास चर्चा इस बैठक में होनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली से आ रही एक और बड़ी जानकारी, वन भूमि में अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण और निर्माण पर नाराजगी जाहिर की है, चिंता जाहिर की है। दिल्ली में पर्याप्त धार्मिक स्थल हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ऐसे में जंगलों को बहाल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट की तरफ से बयान, वन भूमि में किसी अन्य निर्माण की अनुमति नहीं, ऐसे परिसरों में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो अवैध निर्माण को लेकर एक बार फिर से जो है एक्शन में कोर्ट दिखाई पड़ रहा है, कोई भी विध्वंस कार्रवाई केवल कानून के अनुसार की जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जिसमें वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण को लेकर जो है हाईकोर्ट सख्त होता दिखाई पड़ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध अतिक्रमण पर निर्माण पर चिंता जाहिर की है, दिल्ली में पर्याप्त धार्मिक स्थल है, ये दरअसल हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। इसके अलावा ऐसे में जंगलों का जो है बहाल होना चाहिए, वन भूमि में किसी अन्य निर्माण की अनुमति ना दी जाए, ये साफ तौर पर सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने कहा है। और ऐसे परिसरों में किसी को रहने की भी इजाजत नहीं दी जाए। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार जो है अवैध अतिक्रमण को लेकर अलग अलग जगह पर तमाम तरह की कार्रवाइयां जरूर सामने आ रही है, और इसी कड़ी में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अवैध अतिक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में पर्याप्त धार्मिक स्थल है, इसके अलावा ऐसे में जंगलों को बहाल किया जाना चाहिए, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। वन भूमि में किसी अन्य निर्माण की अनुमति ना दी जाए, ऐसे परिसरों में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। तो अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट जो है साफ तौर पर सख्त एक बार फिर से दिखाई पड़ा, और इसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये साफ तौर पर सख्त लहजे में कह दिया गया है कि अवैध अतिक्रमण पर जो है निर्माण ना किया जाए। अवैध अतिक्रमण पर निर्माण जो लगातार हो रहे हैं, इसको लेकर चिंता हाईकोर्ट ने जाहिर की है।